अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हैं सारे दोस्त? दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बनाने लगे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से ईद का थोड़ा सा सिस्टम था, तो छत की सफाई वगैरह की है हमने। अंदर की सूरत हाल देखते हैं, सारे कबूतर बाहर निकाले हुए हैं। ये भी बच्चा बाहर निकाला हुआ है, एक नया, एक वो बच्चा बैठा हुआ डब्बा वो रहा, वो भी नया है, और एक ये रहा, तीन, एक दो तीन चार पांच बच्चे हैं जो बाहर निकाले हुए हैं। दो ऊपर बैठे हुए हैं, एक ब्लैक वो बैठा हुआ है 200 जाल के ऊपर ही, और दो ये इधर बैठे हुए हैं, और ये मेहमान अभी आ ही रहे हैं छत पे। अंदर की सूरत हाल देखते हैं दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए थे गर्मी की वजह, ये देखो हमारे बटेरे माशाल्लाह बैठे हुए हैं मिट्टी में, बहुत परवरिश कर रहे हैं, मोटे मोटे से हो गए हैं, इतने गुलगुलू जो हो गए हैं, ब्रीक थे छोटू छोटू से, अब इनमें गोश्त आ रहा है। पर हमने ये डब नहीं पकड़ी है, ये भी पकड़ी है दोस्तों, ये देखिए इसके सर पे बोधी है, और जिस दिन ये पकड़ी है उसी दिन वो वाला जो हमारा नर है ना दोस्तों, दोस्तों ये वाला जो हमारा नर है, ये नर और इस ये मादी निकली है मेरे ख्याल में, मैं इसको नर समझता, इन्होंने अंडे दे दिए दो माशाल्लाह, अब ना इंशाल्लाह ये तरक्की करेंगे जल्दी। और ये एक बच्चा हो गया काफ़ी बड़ा, और एक ये ब्लैक बच्चे, ये दोनों ब्लैक बच्चे हैं, इनके चूड़ियाँ डाल दी हमने। जितने बच्चे निकले हैं, जितने हमारे पास कबूतर हैं ना दोस्तों, सबके चूड़ियाँ डाली हुई हैं, जितने बाहर फिरे हैं कुछ 40-50 कबूतर हैं, सबके चूड़ियाँ डाल दी हैं। ये देखें, ये हमारा टीटू है अब दूसरे नंबर वाला, इसके भी चूड़ी डाल दी है। टीटू से ज़्यादा है जो नीचे वाला टीटू का घर है ना, वो वाश करने वाला है, उसका पानी निकाल के ना सारे पत्थर जो लगाए हुए हैं वो साफ़ करो, मैं आता हूँ फिर नीचे देखता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए चोगा दे रही है लक्की अपने बच्चे को, लक्की का बच्चा वाइट ही निकला है माशाल्लाह, अगर ये नर बनेगा तो हमारा ये पैर बराबर हो जाएगा। और नीचे भी लक्की ने दो बच्चे दे दिए माशाल्लाह, निक छोटे छोटे थे। इधर भी माशाल्लाह टैडी कबूतर ने अंडे दे दिए दो, और इधर हमारी मादी बैठी हुई है टैडी, इसने भी दो अंडे दिए हुए हैं, और बाकी सारे केज अभी खाली हो गए हैं, बच्चे काफ़ी बड़े हो गए, सारे बाहर आ गए हैं दोस्तों, दोबारा देखते हैं वो। और पैरट हमारे जो हैं ये देखें, इन्होंने अभी तक अंडे नहीं दिए हुए हैं, ये देखें दोस्तों हमारे पैरट ने अभी अंडे नहीं दिए, इनके लिए हम अंडे लेके आए हैं छोटे छोटे से। वो किधर हैं, वो छोटे अंडे पकड़ो तो आप, ये देखें ये हमारी एक टैडी कबूतरी है, उसने अंडे दिए हुए हैं, वो अंडे हैं, ये आगे देख रहा है ये गुग्गियों के अंडे हैं, मैं कहा नहीं ये अंडे तो प्लास करते थे, ये मैं लेके आया था इनके लिए पैरट के लिए, ये छोटे छोटे से अंडे, ये देखें हैदर आवाज़ें दे रहे हैं दोस्तों, पता नहीं क्या बात है, कबूतर वो नया कबूतर एक आया, उसको पुछेड़ लगा रहा है छत के ऊपर, चलो देखते हैं वो पकड़ा जाता है, कभी बच्चा ही है वो, सब कबूतर जाल के ऊपर बैठे हुए हैं दोस्तों, हैदर छेड़ लगा रहा है, काफ़ी अच्छा माहौल नज़र आ रहा है। कल हमने टिक्के कबाब बनाए हुए थे, तीसरे दिन वो खा रहे थे, वो मेरे ख्याल में काफ़ी दूर चला गया। ये हमारे चूजे देखे माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए, दो ही बचे हैं और बाकी सब भाग गए हैं, बटेरा भी इनके साथ ही रहता है, ये थोड़ी सी परवरिश कर रहे हैं दोस्तों, पर ये रहते हैं तो इधर लुक लुक के ही, ये देखें ये देखें काफ़ी बड़े हो गए हैं। हैदर कबूतर उतार रहा है, पता नहीं कौन सा उतार रहा है नीचे, वो ना ईगल अटैक कर रही थी कबूतरों पे, ये मादी है, ये नए जो लेके आए थे ना वो दोनों छोड़ दिए, अब जाल वाले सारे बाहर निकाले हुए हैं आज इसने, ये डर गई थी ना इसीलिए, ईगल जब अटैक करता है ना डर जाती है, तो फिर जल्दी वापस नहीं आते दोस्तों। वो बाल्टी जिधर जिधर लेके जाते हैं ना येलो कलर वाली, सारे कबूतर उसके पीछे पीछे होते हैं दोस्तों, ये देखें वो सच कबूतर जो नया पकड़ा वो दिखाया नहीं आपने, जो पकड़ा है ना नया वाला जिसके मैंने पर बंद कर दिए थे वो लेके आओ, नहीं ये दोस्तों रात को पकड़ी है मैंने मादी, काफ़ी प्यारी है, ये दोनों देखें ये नर है और ये मादी लगाना, ये पकड़ लिया मैंने, दिखाओ ये देखे दोस्तों, ये है इसके पर माशाल्लाह,
ये दुम है और ये इसको चूड़ी डाली हुई थी, तो ये चूड़ियाँ डाली है हमने। चूँच और आँख दिखाओ, ये देखे दोस्तों वाइट आँख में माशाल्लाह बहुत प्यारी कबूतरी, कद भी काफ़ी बड़ा है। तो वो टैडी जो कबूतर है ना हमारे पास, उसके साथ ये लगाएंगे। पहले उसके साथ वो बच्चा एक लगा हुआ हमारा टैडी, वो ऊपर बैठा हुआ है स्टिक के पास बैठा हुआ है दोस्तों, वो लगाया हुआ है। ये एक बैठ गया है इसके साथ, ये मादी लगाई है, किधर गई ये वाली जो पानी के ऊपर बैठी हुई, ये मादी उसके साथ दोस्तों लगाई हुई है। तो माशाल्लाह ना अब जोड़े अच्छे अच्छे लगाएंगे जो कबूतर उड़ाने के लिए ना बेस्ट होंगे। हमारा जग्गू गैंग सारा इधर बंद कर दिया हमने, ताकि ये किसी को दाने खाने नहीं देता। ये कबूतरों को मारते बहुत है, इनको हमने जाल में बंद कर दिए। तो जब कबूतर ऊपर से जाल में आ जाएंगे तो ये इनको निकाल देंगे नीचे से। उधर देखे तीन तीन बच्चे चोगा खा रहे हैं उससे, दो बच्चे उसके हैं और ये बच्चा पता नहीं कोई और है। इनके रंग सेम सेम ही है, हमें पता नहीं चल रहा कौन किसका है। ये दो जोड़ियाँ हैं, एक ऊपर बैठी हुई जाल में और वो ब्लैक मनारा है, और ये चीनी मादी है ये वाली दोस्तों, ये वाली जो है ना ये वाली मादी है, वो दोनों जोड़े हैं। और एक जोड़ा ऊपर बैठा हुआ है, वो उनके बच्चे हैं नीचे। और ये देखिए ये भी कलर माशाल्लाह ना टीटू हमारा बहुत प्यारा, जो इनके साथ हमारी मादी लगी हुई थी ना, ये वाले बच्चों की माँ, एक ये बच्चा बैठा हुआ है। और है तो दोस्तों सारे कबूतर नीचे दाना थोड़ा थोड़ा डाल रहा है, ताकि कबूतर नीचे आ जाए। सारे कबूतर जाल के ऊपर बैठे हुए थे, ऐसा ऐसा नीचे आ रहे हैं। ये देखें जो नए वाला कबूतर है ना, वो अभी वो सामने जो जाल है ना उसके कॉर्नर पे देखें नज़र आएगा आपको, उधर बैठा हुआ है। तो ये अभी दाना डाल के इनको थोड़ा थोड़ा दाना शाम तक डालते रहेंगे, ताकि ये पेट भी भर लें, बच्चे भी साथ में हैं, बच्चों का पेट भर जाएगा। ये देखो बाहर ना सारे कबूतर ही उड़ा रहे हैं। और ये देखे दोस्तों, ये जो लकी मादी ना, ये वाइट वाला बच्चा उसका है। और ये जो कबूतर है ना, ये अभी फारग फिर रहा है, छह है जो हमने पकड़ी हुई है। तो इसीलिए हम चाहते हैं ये ना बच्चे इसके साथ ना निकाले, ये वाला जो बच्चे पहले निकाल देगा फिर उसके साथ लगाएंगे हम। वो मादी भी ऊपर जाके बैठ गई, वो भी मादी अच्छी है। ये लक्की का बच्चा है, ये लक्की की हालत देखें इधर ना, ये देखें दोस्तों काफ़ी हालत इसने ख़राब की हुई है अपनी। लालू गैंग ना अब रास्ता ढूंढ रहा है, वो जो रास्ता हमने बंद किया हुआ है ताकि जाल वाले जाल में रह सकें दोस्तों, और ये दरवाज़ा इनके बंद किया हुआ है। अब ये रास्ता ढूंढ रहे हैं बाहर आने का, पर जब भी ये बाहर आते हैं कबूतरों को बहुत मारते हैं दोस्तों। ये पार पार ऊपर हो गए पड़े हैं सारे, इन्होंने खींचे हुए हैं कबूतरों के पार, इसलिए हमने इनको बंद कर देते हैं। जब कबूतर खोलते हैं तो पूरा दिन रात ये खुले रहती हैं, और ये मस्तियाँ बहुत करता है हमारा ये मुर्गा। तो आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर फॉलो कर दीजिएगा, और याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।